हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पैटर्न देखा था कि आरपीएससी जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। दो पेपर होते हैं, फर्स्ट जीके, सेकंड केमिस्ट्री। अब यहाँ पर जो है सिलेबस जो है केमिस्ट्री का, कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं, क्या क्या टॉपिक लेवल क्या है, वो सारे हम देखेंगे। बस यहाँ डिफरेंस ये है कि जो पैटर्न दे रखा है, जो जो टॉपिक दे रखे हैं, वो सारे मैंने यहाँ मेंशन करें, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं करें जैसे आरपीएससी ने दिए। क्योंकि अगर वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो सिलेबस जो कवर करना है थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, जो फ्लो नहीं बैठता। मतलब आपको क्या क्या टॉपिक पहले पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, वो मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो है सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है मेंशन सिलेबस में और हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैंने ये मेरे अकॉर्डिंग करा है कि जो मैं आपको सिलेबस कवर कराऊंगा उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जो है हम काइनेटिक्स शुरू करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल लेने का आस्पेक्ट ये है कि फिजिकल जो है यहाँ पर आरपीएससी ने जो है पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले जो आरपीएससी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछती थी, और अगर न्यूमेरिकल पूछती थी तो डायरेक्ट पूछती थी, डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। लेकिन आजकल जो है आरपीएससी ने थोड़े न्यूमेरिकल जो है नीट या जी लेवल के, या काफ़ी अच्छा इसमें जो है पैटर्न चेंज कर दिया है और लेवल जो है अच्छा कर दिया है। इसलिए पहले हम फिजिकल पढ़ेंगे और उसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसा नहीं है हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में हम न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे और आरपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आरपीएससी जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछती है। केवल प्रीवियस क्वेश्चन नहीं, नए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जो भी सिलेबस में काइनेटिक्स से रिलेटेड मेंशन होगा, और देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बेसिक्स होते हैं वो कभी भी मेंशन नहीं होते। अब जैसे काइनेटिक्स है, अब उसका कोई सा भी टॉपिक का बेसिक्स है वो भले मेंशन हो या ना हो, आपको पढ़ना ही है। हाँ, हायर कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बेसिक्स कुछ है तो वो आपको पढ़ना ही है हर हाल में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद ये मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, मूल कंसेप्ट सिलेबस में नहीं दे रखा आपके, लेकिन क्योंकि आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मूल कंसेप्ट आना चाहिए। बहुत छोटा टॉपिक है, एक दो दिन में कवर हो जाएगा। मूल कंसेप्ट जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि बेसिक है आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रो प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत बेसिक टॉपिक है, ये सब आपने 11th 12th में पढ़ रखे हैं। ये मान लीजिए आपका जो सिलेबस है 80% जो है वो आपने 11th 12th में पढ़ रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि हम साथ के साथ करेंगे। तो काइनेटिक्स, मूल कंसेप्ट मेरी तरफ से, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद थर्मो। अब देखिए, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसलिए लिखा है क्योंकि अब जैसे आप सिलेबस देखेंगे तो एक ही टॉपिक आपके दो दो तीन तीन जगह दे रखा है, 10th लेवल में भी दे, 12th लेवल में भी दे रखा है, ग्रेजुएशन लेवल में भी दे रखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कवर नहीं करेंगे। मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिया, हम पढ़ेंगे फिर थर्मो। थर्मो के बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद है क्वांटम। अब देखा जाए तो दोनों साथ ही हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये फिजिकल के साथ ही जो है स्पेक्ट्रो को हम कवर कर लेंगे। तो आप देखेंगे बेसिक जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो पहले कवर हो गई है, साथ में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ले ली है। ठीक है, एक यूनिट दे रखी है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसके बाद आपके शुरू होती है इनऑर्गेनिक, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, मतलब पीरियोडिक टेबल जो है आपके वो आ जाएगा इसमें, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डी ब्लॉक साथ में आ जाएगा, तो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एफ ब्लॉक। अब देखिए, ये ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपके पढ़े हुए होने चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके थ्योरी का लेवल होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सारे कवर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हर टॉपिक के साथ वो कवर कराऊंगा। उसके अलावा अदर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन और डिफरेंट, उसके अलावा भी आरपीएससी में जो पूछे गए वो भी मैं आपको कराऊंगा, जो नहीं पूछे वो भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा। ठीक है, एफ ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद है सुपर हैवी एलिमेंट्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कवर हो जाएगा साथ में। अब देखिए, जीओसी अलग से कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिना जीओसी के ऑर्गेनिक आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो कुछ टॉपिक हो सकता है मेंशन है, लेकिन जीओसी जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ हो सकता है टॉपिक ना भी हो तो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से ऐड कर दिया। इसके बाद मैकेनिज्म। देखिए, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में मेंशन है, स्पेशली जो मैकेनिज्म है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन दे रखी है। हम पूरा ही देख लेंगे मैकेनिज्म, पूरा मैकेनिज्म जो है हम कवर कर लेंगे इसमें। जो मेंशन है उसको डिटेल में देख लेंगे, जो मेंशन नहीं है उसको हम सरफेस से देख लेंगे। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी एंड एरेंस। तो यहाँ पर आपके एरोमेटिसिटी आ जाएगी और एरेंस का मतलब बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है एल्केन्स, एल्कीन्स, डाइन्स, तो ये आपके हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। इसके बाद है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। अब देखिए, सिलेबस में आपके हेलो एरेंस अलग से दे रखा था,
यहाँ पर दे रखा था नाइट्रो अमीनो अरेंज, लेकिन क्योंकि हेलो अरेंज हम पढ़ रहे हैं तो लगभग लगभग सिमिलर कुछ रिएक्शंस होती है, तो मैंने यहाँ पर इसको साथ में ले लिया। हो सकता है कुछ मैं आगे पीछे कर दूँ, लेकिन बेसिकली जो है फॉर्मेट यही रहेगा। ये सिलेबस आपका सिक्वेंस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो यही रहने वाला है, ठीक है। एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, उसके बाद आपके हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए यहाँ पर एक दो और ये तीन, ये तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आप देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो नेम रिएक्शन है वो मेनली बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स की ही है, ठीक है। तो हमने साथ में ले लिया, कंटिन्यूएशन में ले लिया, उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लगभग लगभग सिमिलर ही है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं और उनके डेरिवेटिव्स, आप जानते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वो सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नाइट्रो एरिन्स, अमीनो एरिन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी सारी नेम रिएक्शन है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। सबसे क्वेश्चन आते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। अब देखिए पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एमएससी का पार्ट है, हमको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से हम पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। फोटोकेमिस्ट्री, अब देखिए फोटोकेमिस्ट्री बीएससी में भी आ जाता है, एमएससी में भी होता है, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, आप सब जानते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ये अगर हम एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम नेचुरल प्रोडक्ट भी कई बार कहते हैं, तो ठीक है बात वही है, बायोमोलिक्यूल्स का हो चाहे नेचुरल प्रोडक्ट हो एक ही बात है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये भी आपके सिलेबस मेंशन है। पॉलीमर्स, अब देखिए पॉलीमर्स के दो पार्ट होते हैं, फिजिकल पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट, तो आपके दोनों हल्का हल्का मेंशन कर रखा है हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखिए जो आपके लाइन दे रखी है सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम उससे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, जो सिलेबस मेंशन है उससे कम नहीं पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक है तो जो चीज़ मेंशन है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उससे कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है तो हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमको पढ़ के अच्छे से जाना है। लास्ट में आपके ड्रग्स, तो देखा जाए मोटे तौर पर 30 से 32 टॉपिक, 32 टॉपिक्स हैं, 30 से 32 टॉपिक हैं आपके, और ये आपके जो है ओवरऑल सिलेबस है। यहाँ पर आपके सिलेबस आरपीएससी ने अलग अलग पैटर्न में तीन ग्रुप में डिवाइड किया था, ट्वेल्थ लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और एमएससी लेवल का। मैंने उन तीनों को कंबाइन करके सिस्टमेटिक फॉर्म में सिलेबस बना दिया मेरे अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसमें मूल कंसेप्ट और जीओसी मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो 32 टॉपिक्स हैं ये आपका पूरा सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर हम पूरे टॉपिक पढ़ने वाले हैं और सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, ठीक है। मैं जो पहला टॉपिक शुरू करूँगा वो होगा काइनेटिक्स, और उसके बाद जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग में एक एक टॉपिक आपको करवाता जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कराऊँगा, और थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो और उसके अलावा जो क्वेश्चन है साथ के साथ प्रैक्टिस करवाता जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेटिक्स में ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि मज़ा नहीं आता बच्चों को। बच्चों को ये कि थ्योरी तो हो गई, अब क्वेश्चंस करने में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, कोई टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स लेता जाऊँगा या सिंपल क्वेश्चंस लेता जाऊँगा, ताकि आपके टॉपिक के साथ प्रैक्टिस होती रहे और जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है मैंने आपको कहा एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।